महाराष्ट्र के पूर्व राज्यसभा सदस्य और कोल्हापुर शाही परिवार से जुड़े संभाजी छत्रपति पर टिप्पणी करने के खिलाफ मंगलवार को वली से जांबोरी मैदान में अजीत पवार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई महामंत्री अर्जुन मेघी के नेतृत्व में त्रि आंदोलन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान पुलिस ने अर्जुन मेघे, दक्षिण जिला मुंबई सचिव शुभम लोखंडे और अन्य लोगों को जांबोरी मैदान से गिरफ्तार किया। बता दें कि पिछले हफ्ता विधानसभा में अजीत पवार ने कथित तौर पर कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं है। इससे नाराज बीजेपी ने दावा किया है कि पवार पर टिप्पणी संभाजी महाराज का अपमान है। आंदोलन के दौरान अर्जुन मेघे और लोगों ने माफी मांगो के नारेबाजी की है। अजीत पवार और जितेंद्र आह्वाड की पोस्टर हाथ में लिए हुए किया जा रहा है। आज का जो आंदोलन हम करने जा रहे हैं और वो आंदोलन अजीत दादा पवार और जितेंद्र आह्वाड साहब के विरोध में है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था हमारे देवता संभाजी महाराज के अगेंस्ट और उनको जो बोल रहे थे कि वो धर्मवीर नहीं है, ऐसी जो व्याख्या और ऐसी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसका हम निषेध कर रहे हैं और उसका हम विरोध कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की पाकिस्तान का मुद्दा आया था, उससे भी कांग्रेस पार्टी ने अपना बयान दिया था। लगातार कांग्रेस पार्टी मतलब अपने बयान देते रहेंगे, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जवाब दी गई? मैंने आपका सवाल नहीं, इसके पहले भी जो है पाकिस्तान के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने जो है अपना बयान रखा था, तो किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हें जवाब देगी? हर बार उन्हें अपना अपना बयान देते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी किस तरह? देखो, सबको पता है कि अब जो जो लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, जो लोग राजकारण देखते हैं, जो लोग राजकारण को फॉलो करते हैं, इतिहास को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से कितना प्रेम है। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमेशा भारत के लिए और भारत की संविधान को का रक्षा करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हम उनको वैसा जवाब दे देंगे। क्योंकि हमारे पक्ष में लोगों को, हमारे पक्ष के जो नेता है वो देश के लिए काम करते हैं, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी के नेता है, आप देख सकते हैं कि वो चाइना में रहते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, ये तो उनका हमेशा पिछले 70 सालों का उनका ये खेल है। तो ये जो अजीत दादा ने, पवार जी ने जो कहा है, अपमान किया है, उसे कितने ज़्यादा जो है आंदोलन होगा और किस तरह से उन्हें कहना चाहेंगे? देखो, जब अजीत दादा ने संभाजी महाराज को संभाजी महाराज के लिए बोला कि वो धर्मवीर नहीं है, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि संभाजी महाराज ने 8 लाख औरंगजेब के आतंकवादी सेना को महाराष्ट्र में रुका के रखा था। जब उन्होंने महाराष्ट्र में रुका के रखा था, तब बुंदेलखंड, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में हिंदू राज्य स्थापन हुए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो संभाजी महाराज ने औरंगजेब को रोक के रखा था, दक्षिण भारत में उनका कभी एंट्री नहीं हुआ। उसके वजह से आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के जो मंदिर है, वहाँ के जो ग्रंथ है, वो अभी तक सुरक्षित है। ये सब काम संभाजी महाराज ने किया था। हर हर महादेव, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, उसके बाद जय 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 भवानी, जय 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 जय। उसके बाद एक कहानी भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नासिक में एक गांव है, हर्षुल गांव में एक ब्राह्मण कुलकर्णी था, बहुत फेमस कहानी है कुलकर्णी साहब की।
उनको औरंगजेब ने तलवार के इस पे उनका इस्लामीकरण किया था, पर उसके बाद जो ब्राह्मण थे उनको वापस हिंदू धर्म में आना था, पर आगे जो लोकल ब्राह्मण थे उनको बोल रहे कि नहीं आप अपवित्र है क्योंकि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। तो फिर वो ब्राह्मण हमारे संभाजी महाराज के पास गए थे और संभाजी महाराज ने तुरंत व्यवस्था की और वो ब्राह्मण को वापस हिंदू धर्म में लेके आए। ये देखकर जो लाखों हजारों सैकड़ों जो हिंदू थे जिनको जिसका इस्लामीकरण हुआ था वो भी वापस हिंदू धर्म में आ गए। इसे नहीं कहते धर्मवीर और धर्म की रक्षा। उसके बाद संभाजी महाराज ने उनके मंत्रिमंडल में धर्म परिवर्तन का एक खाता खोला था कि जो भी हिंदू जिसका इस्लामीकरण हुआ था और उनको वापस हिंदू बनना था वो ये खाते का इस्तेमाल करके वापस अपने धर्म में आ सकते हैं। इसे नहीं कहते हैं धर्म की रक्षा करना। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ अजीत दादा, आप बहुत अभ्यासु है पर आपने संभाजी महाराज की जो इतिहास है उसका आपने मुझे लगता है बराबर से पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो जो कार्य संभाजी महाराज ने किया है वो सब कार्य यही दिखाता है कि संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक थे पर उसके साथ वो धर्मवीर भी है और हमेशा रहेंगे। संभाजी महाराज की जय 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 शिवाजी। हमारी मांग है कि अजीत दादा और जितेंद्र आवाड़ जी ने जो स्टेटमेंट बोला था कि औरंगजेब ने ज्यादा हिंदुओं पे उन्हें अत्याचार नहीं किया, उनको भी देखना चाहिए। औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरें तोड़ी है, लाखों हिंदुओं की जान ली है। ये सब तो छोटे से छोटा बच्चे को भी पता है जो इतिहास पढ़ता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट। तो हमारा जो मांग है, यहाँ पे जो सैकड़ों भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जमे हुए हैं उनकी एक ही मांग है कि अजीत दादा और जितेंद्र आवाड़ जी आप माफी मांगो, अपनी स्टेटमेंट वापस लो, और आप अपनी स्टेटमेंट वापस लो, और आप ऐसे जो महापुरुष है उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ी हिस्ट्री थोड़ा इतिहास पढ़ के आप बोलो। ये हमारी मांग है।